कोई आपके साथ गलत करता है तो जरूरी नहीं हर बार आपका जवाब देना। कई बार आपको जवाब या तो भगवान या समय को देने देना चाहिए। कोई इससे ने झगड़ा किया, हम खड़े होकर झगड़े कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो भी चिल्ला रहा है, ये जवाब कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जब समय जवाब देता है या भगवान जवाब देते हैं ना, पूरी दुनिया सुनती है वो जवाब, और वो जवाब भूले नहीं भूल सकता सामने वाला, उसे कहते असली जवाब। वरना दोनों लड़ झगड़ कर घर चले गए, क्या है ना, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, वो भी घर जाकर सोचेगा जो किया अच्छा ही किया, व्यक्ति वैसा ही था। तो इसीलिए भगवान पर भरोसा करिए। जो खुद की चिंता नहीं करते उनकी चिंता भगवान करते, और ऐसी चिंता करते हैं आप सोच भी, हमारी सोच जहां खत्म होती ना वहां उनकी सोच शुरू होती है। तो कुछ कुछ जवाब भगवान को देने दीजिए, क्योंकि अगर भरोसा होगा तो भगवान असंभव को संभव करते हैं। ये मैं खुद के अनुभव से बता रही हूं। कई बार हमारा चुप रहना बहुत अच्छा होता है, हमारा जवाब नहीं देना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब भगवान जवाब देते हैं वो जवाब देखने लायक होता है। उन पर भरोसा रखिए। आइए आपको एक सच्ची घटना सुनाती हूँ, मैं दिल्ली में घटी हुई घटना, और कोई बहुत साल कोई पुराने युगों की घटना नहीं है, कुछ साल पुरानी घटना है। एक वहां पर दिल्ली में एक बूढ़ी महिला रहती थी, उसके साथ ये घटना घटित हुई थी कि अगर, और इसका सार यही है कि अगर भरोसा होता है भगवान पर तो भगवान कैसे कैसे कार्य करते हैं, आज भी चमत्कार होते हैं, लेकिन अगर उतना भरोसा होगा तो। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगवान भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, 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 भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं, जाया करती। धीरे धीरे समय बीतता गया, वो थोड़ी बड़ी हुई, लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। वो और बड़ी हुई, उसकी शादी हो गई, लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। यहां तक उसके बच्चे भी हो गए, लेकिन जो हर साल वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन
प्रेम में पागल हुई वो श्याम दीवानी। अगर भजनों में शादी हो गई, वो महिला बूढ़ी हो गई, डोकरी बन गई। डोकरी मतलब जो घर में बहुत बूढ़ी हो जाती है उनको मारवाड़ी में कहते डोकरियां। बहुत बूढ़ी हो गई लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। पर जब धीरे धीरे स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, अब उसे लगा अगली बार वृंदावन जा पाऊं ना पाऊं, तो एक अंतिम बार वह वृंदावन गई और वहां से ठाकुर जी की एक पीतल की मूर्ति अपने साथ लेकर आई और दिन भर उस मूर्ति की ही सेवा करती। मूर्ति को दूध से नहलाती, चंदन का लेप लगाती, माखन का भोग लगाती, सुलाती, डांटती, दिन भर बस मूर्ति की ही सेवा करती। वो अपने कृष्ण लला गले से लगा कर अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, हो लाड लडा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, हो लाड लडा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, अपनी जान से ज्यादा रखती हो, अपनी जान से ज्यादा रखती।
अब एक दिन जन्माष्टमी का दिन था। जन्माष्टमी का दिन दुर्भाग्य से डोकरी की तबीयत थोड़ी सी खराब थी। अब एक उम्र आने के बाद हाथ ऐसे ही कांपते हैं और तबीयत खराब हो जाए तो और हाथ कांप रहे हैं उसके, तो उसे डर लग रहा है। तो उसने अपनी बड़ी बहू से कहा कि बहू, उसने कहा बहू, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, एक काम करो, मेरे लाला को दूध से नहला दो, चंदन का लेप लगा दो, माखन का भोग लगा दो, और हाँ आज जन्मदिन भी है तो नए वस्त्र भी पहना दो। अब इतने सारे काम एक साथ बहू को झंझट सा लगा, पर माँ की तबीयत खराब थी इसलिए कह दिया ठीक है। डोकरी दूसरे कमरे में जाके आराम करने लगी। पर कहते हैं ना, कोई काम बिना मन से करो तो वो कभी भी सफल नहीं होता। जैसे ही वस्त्र बदलने के लिए मूर्ति उठाई कि मूर्ति हाथ से फिसल गई। यहां मूर्ति गिरी, यहां डोकरी को झटका सा लगा। कई बार होता है आप किसी से बहुत प्रेम करते हो, उस पर कोई संकट आए तो आपको अचानक बेचैनी होने लगती है। ये माताओं के साथ खास करके होता है, जब बच्चे दूर रह रहे होते हैं तो उन्हें अलग सी बेचैनी होती है, तो फोन करके पूछते भाई सब ठीक है ना। तो ये होता है ऐसा, जब आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं तो डोकरी को अलग सी बेचैनी होने लगी, वो तुरंत बाहर आती है, बेटा सब ठीक है ना, लगता है कुछ अनहोनी सी हुई है। अब बेटे के लिए इतनी बड़ी बात थी नहीं, होती तो वो छुपा लेता। उसने कहा रे हाँ माँ, वो बस वस्त्र बदलने के लिए मूर्ति उठाई थी तो हाथ से फिसल गई, वापस उठा कर रख दी। इतना सुनते ही तो डोकरी का कलेजा फट गया, वो जोर जोर से रोने लगी, अरे मेरा लाल, अरे सांसें तो नहीं रुक गई, अरे जाओ डॉक्टर को लेकर आओ, जोर जोर से रोने लगी। डॉक्टर बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया हो मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, रोते रोते पागल हो गई हो, रोते रोते पागल हो गई। धर्मा
डॉक्टर को लाओ, मेरे लाल का हाल तो दिखाओ। बेटा कहता है कौन सा डॉक्टर आएगा पीतल की मूर्ति को चेक करने के लिए, पर वो तो जोर जोर से रोने लगी। अब आस पड़ोस से कुछ भाई इकट्ठा होते हैं, रोने की आवाज सुनकर सब पूछते अरे क्या हुआ है। बेटे ने कहा कुछ नहीं, बस वस्त्र बदलने के लिए मूर्ति उठाई थी तो हाथ से फिसल गई। अब माँ कहती है डॉक्टर को लेकर आओ। कौन सा डॉक्टर आएगा पीतल की मूर्ति को चेक करने के लिए। भाइयों ने कहा एक काम करो, किसी भी डॉक्टर के पास जाओ और कह दो कि डबल फीस ले लीजिएगा, मेरी माँ पागल हो गई है, आकर बस कह दीजिए मूर्ति ठीक है, मूर्ति को कुछ नहीं हुआ। बेटे को बात सही लगी, गया बहुत डॉक्टरों के पास पर सब नट गए। फिर एक डॉक्टर से कहा अरे भैया चौबल फीस ले लीजिएगा, मेरी माँ पागल हो गई है, आकर बस कह दीजिए मूर्ति ठीक है, मूर्ति को कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर मान गया, मूर्ति को हाथ में लेकर चेक करने लगा। वो नबज टटोल के बोला कि तेरा लाल सही है, वो नबज टटोल के बोला कि तेरा लाल सही है। माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। डोकरी कहती है नया नया डॉक्टर बना है क्या, में लगा के चेक करते उससे तो कर। डोकरी को स्टेथोस्कोप का नाम पता नहीं था और कहती कान में लगा के चेक करते उससे तो कर। अब डॉक्टर को गुस्सा आया पर फीस ले रखी थी तो चेक करने लगा। जू ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया, जू ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया। उसने कई बार लगाया का, ओ, 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 मूर्ति में थे प्राण।
अब इस चमत्कार को देखकर डॉक्टर सब कुछ छोड़ वहां से जाने लगा। डोकरी कहती है, अरे बता तो सरी मेरे लाला को हुआ क्या है, सब ठीक है ना? तो डॉक्टर क्या जवाब देता है, देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ, देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पर जा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पर जा रहा हूँ, लाल तेरा झुक झुक जी बोलिए भक्त और भगवान की।